संरक्षण को लेकर एक कार्यशाला का आयोजन हुआ जिसमें पर्यावरण विभाग प्रमुख ने लोगों को जागरूक किया। जनपद फिरोजाबाद के नगर सिरसागंज में रविवार को चेयरमैन सिरसागंज सोनी शिव हरे के निवास पर पर्यावरण संरक्षण को लेकर इको ब्रिक्स कार्यशाला का आयोजन हुआ। इस कार्यशाला में मैनपुरी से पधारे पर्यावरण विभाग प्रमुख सौरभ सिंह ने मौजूद सभी सभासद व नगर से पधारे लोगों को पर्यावरण के बारे में विस्तार से बताया तथा जल संचय व पॉलिथिन से होने वाले नुकसान के बारे में विस्तार से समझाया। साथ ही साथ बताया कि किस प्रकार हमें आने वाले समय के लिए पानी को बचाना है और आने वाले समय में सबसे ज्यादा विकराल समस्या पानी की ही होने वाली है। इस कार्यशाला में विस्तार पूर्वक बताया कि पॉलिथीन से हम इको ब्रिक का निर्माण किस प्रकार करें तथा उसे किस प्रकार से प्रयोग में लाएं। चेयरमैन सिरसागंज सोनी शिव हरे ने बताया कि आम जनमानस को पर्यावरण को सही रखने के लिए जागरूक होना पड़ेगा ताकि आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित रखा जाए। सूर्य प्रताप सिंह, फिरोजाबाद, समाचार 24। किस तरह कार्यशाला का आयोजन किया गया? आज पर्यावरण को लेके पर्यावरण गतिविधि के द्वारा एक कार्यशाला का आयोजन था जिसमें नगरपालिका परिषद के सभासद और अपने नगर के प्रबुद्ध समाजसेवी एवं पत्रकार बंधु भी उपस्थित थे। इस कार्यशाला में पर्यावरण को लेके जो हमारी आने वाली पीढ़ियां हैं उनको किस तरीके से हम सुरक्षित करें इस बात पर ये कार्यशाला संपन्न हुई जिसमें इको ब्रिक्स का भी किस तरीके से निर्माण और क्या रहता है ये बताया गया। दूसरा, पानी का जो सबसे ज़्यादा बर्बादी हो रही है, हमारे कई क्षेत्र ऐसे डार्क जोन में हैं और पानी इतना ज़्यादा बर्बाद हो रहा है उसके संदर्भ में भी ये चर्चा हुई। दूसरा, पॉलोथिन से जो हमारे इस पृथ्वी को कितना नुकसान हो रहा है इस विषय पर विस्तृत तरीके से चर्चा हुई और ये बताया गया कि किस तरीके से हम आम जन से इसको प्रभावी तरीके से लागू कर सकते हैं और इको ब्रिक का क्या क्या उपयोग हो सकता है उसके बारे में पूर्ण रूप से समझाने का काम किया है। यहाँ पर जितने भी लोग उपस्थित थे, हमारे नगर के गणमान जितने भी लोग उपस्थित थे, उन्होंने ये संकल्प भी लिया है कि हम अपनी पृथ्वी को, अपने नगर को इससे बचाने का काम करेंगे।